आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। जिलाधिकारी महोदय महोबा को जनसेवक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पन्ना के ग्राम जनकपुर के विवेकानंद कॉलेज के पास घर में पकड़ा गया भारी मात्रा में विस्फोटक। राष्ट्रहित तथा देश प्रेम को लेकर निकाली रैली। जिलाधिकारी महोदय महोबा को जनसेवक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजा वही जो जनता की सुख दुख में काम आए, इसी को सच्चा जनसेवक कहते हैं। महोबा जिला बनने से आज तक जिलाधिकारी श्री सहदेव जी के अलावा कोई अधिकारी नहीं आया जिसका उदाहरण दिया जा सके। किए गए वादे और दी गई जुबान के अनुसार चरकारी ब्लॉक के पाटा गांव में छुट्टी के बाद रविवार दोपहर में प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे जिलाधिकारी महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद। जिलाधिकारी के साथ सभी अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह करिश्मा पहली बार हुआ कि जिलाधिकारी महोदय की सरकारी अमला पहुंचा। जो कार्य आज जिलाधिकारी ने किया वे नेताओं का है। जनकपुर के विवेकानंद कॉलेज के पास घर में पकड़ा गया भारी मात्रा में विस्फोटक। करोड़ों का विस्फोटक अवैध रूप से रखा पाया गया। पन्ना पुलिस ने किया जब्त। पन्ना एसपी रियाज इकबाल के निर्देशन पर अजयगढ़ एसडीओपी के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। किशनपुर थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का संचालन बहुत ही सुगठित तरीके से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश हित और देश में चल रही गतिविधियों से लोगों को ओतप्रोत करना था। इलाहाबाद करेली थाना क्षेत्र के करहेदा गांव के पास रविवार सुबह खेत में किशोरी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों की सूचना पर धूमनगंज वर्ग दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से पड़ताल की रेप के बाद हत्या करने की चर्चा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सहमत के आदेश पर तलाक की डिग्री को भी अपील में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में किसी पक्ष की सहमत पर संयश होने पर पारिवारिक न्यायालय का दायित्व है कि उसकी जांच करे। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने आगाह की पूजा की अपील को विचारक को स्वीकार करते हुए दिया है। इलाहाबाद करेली थाना क्षेत्र के गौहरी गांव में 15 साल की एक किशोरी की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव खेत में फेंक दिया गया। सुबह लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद एसएसपी समेत दूसरे पुलिस ऑफिसर भी पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने नामों ने जिताए हैं। पुलिस फिलहाल हत्या के पीछे की वजह नहीं बता रही है, लेकिन ऑनर किलिंग के बिंदु पर जांच की जा रही है। इलाहाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। थरवाई थाना क्षेत्र के जैतवार डी में दोपहर दिशा सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे और सगाई में शामिल होने चंदापुर जा रहे थे। घटना उस वक्त की है जब एक रफ्तार ट्रेन ने सामने से अपने को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो ट्रेन के अंदर घुस गई। पुलिस ने गाड़ी को काटकर घायलों को बाहर निकाला। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। मिर्जापुर जिले के विकासखंड हलिया के अंतर्गत बर्डीहा ग्राम पंचायत की कोटेदार बबीता, जो कि सरकारी दुकान पर नहीं आती है, कोटा की देखरेख कोटेदार पति बबलू द्वारा की जाती है। एक यूनिट पर राशन 5 किलो, जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गरीबों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। एक यूनिट में 1 किलोग्राम काट ले रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गरीब जनता दिया जा रहा है, अपना हक कोटेदार के द्वारा नहीं मिल पा रही है। और बताया जाता है कि ग्रामीणों ने जब ग्राम प्रधान से शिकायत की तो ग्राम प्रधान अरुण सिंह ने कहा कि कोटेदार अपने मन से कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे। कोटेदार की शिकायत आला अधिकारियों से करनी चाहिए, जिससे गरीब जनता का हक मिले एवं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लग सके। Thank you.
पार्टी कर कमरे में कई मिनट बैठा है हटाओ बाहर कम दे बहन करी हटा यार देख ले 15 किलो 200 ग्राम हो जाए 14 किलो 200 ग्राम हो जाए 1 किलो कम दियो है ले ले हो पलटी लेना ले 1 किलो कम नहीं है कि हम ना ले जाए।